2022 के 3 शो बताता हूँ जो मुझे इस साल के सबसे बेस्ट शो लगे, और ये तीनों शो आप लोगों को हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे। जिसमें पहला शो है एलिस इन बॉर्डरलैंड। कहानी है तीन दोस्तों की जो अचानक पैरेलल दुनिया में चले जाती हैं, जहाँ पर उनके जैसे कुछ ही लोग होते हैं और उनको आपस में गेम खेलना होता है, और जो भी उसमें से जीतेगा वही वहाँ पर जिंदा रह पाएगा। भाई मुझे ये शो स्क्विड गेम से भी धांसू लगा, तो इस शो को आप लोगों को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। दूसरा शो है द पेरिफेरल। कहानी है फ्यूचर में, जहां एक लड़की को एक गेम खेलने के लिए सिलेक्ट किया जाता है और उस गेम के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होती है। अब वो सब क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोग ये शो देखो। तीसरा शो है वेंस्टे। कहानी है वेंस्टे नाम की लड़की की, जो कि एक एडम फैमिली से बिलोंग करती है और इसी वजह से वो नॉर्मल स्कूल में फिट नहीं हो पाती, जिसके बाद उसे एक आउटकास्ट स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पर स्पेशल पावर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। और उसके यहाँ आते ही बहुत सी मिस्टीरियस घटनाएं होने लगती हैं। अब ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा होता है ये सब जानने के लिए आप लोग ये शो देखो।